जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल चाल है। हसन मोटर पर आज मैं आपको फिर से एक दफ़ा लेके आया हूँ और यहाँ पे जो आज इंशाल्लाह आपको गाड़ियाँ मैं दिखाने लगा हूँ। गाड़ियाँ जो है आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास प्रीमियो है, वाइट कलर ग्रैंडी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास GLI है, फिर एक 12 मॉडल GLI है, इसके आगे फिर एक GLI है और एक निसान है जी। यहाँ पे ये निसान की गाड़ी दिखाएंगे। उसके बाद हमारे पास फुल ऑप्शन में 2015 मॉडल जो है होंडा सिटी मौजूद है, ये गाड़ी आपको दिखाएंगे जो कि बड़ी ही शानदार कंडीशन में मौजूद है। और इसके बाद जो है एक कल्टस भी जो है 20 मॉडल हमारे पास मौजूद है, इसका भी रिव्यू करवाएंगे। चैनल पे जो दोस्त नए हैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर लें। ये सारी गाड़ियों की जो इन्फॉर्मेशन है मैं आज की वीडियो में आप लोगों को शेयर करूँगा, बताऊँगा, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो बाकी जो है रिव्यू स्टार्ट करते हैं और इन गाड़ियों के जो मॉडल्स हैं और इनकी जो प्राइजेज डिमांड की जा रही हैं ये मैं आपको बताता हूँ, और इसके साथ साथ इनका जो 360 व्यू है ये भी दिखा देता हूँ और डैशबोर्ड वगैरह भी आपको दिखा देते हैं। जी तो दोस्तों, जो सबसे पहले गाड़ी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये हमारे पास प्रीमियो है। प्रीमियो जो है ये 4 मॉडल है, 6 की ये गाड़ी जो है रजिस्टर्ड है, बाकी गुजरांवाला का नंबर इस गाड़ी को लगा हुआ है। बड़ी ही साफ़ कंडीशन में ये गाड़ी जो है आप लोगों को हसन मोटर पर मिल जाएगी। इनका जो एड्रेस है दोस्तों ये भी मैं आपको बताता चलूँ, गुजरांवाला में जब आप पिंडी बाईपास से जाते हैं जी राह वाले की तरफ तो बिल्कुल जो है आपके उसी हाथ पे हसन मोटर का जो बोर्ड है ये कुछ इस तरह से आप लोगों को नज़र आ जाएगा। गाड़ी आप लोग देख सकते हैं जी गुजरांवाला की रजिस्टर्ड है। बोनट जो है इसका बिल्कुल डेंटलेस है, बम्पर जो है इसका बिल्कुल ठीक हालत में है, कहीं से टूटा नहीं है, ब्रेक हालत में नहीं है। टायर अगर इस गाड़ी के देखें तो टायर भी इसके बिल्कुल ठीक हालत में है, अलॉयरिंग वगैरह लगे हुए हैं। साइडों के ऊपर जो डोर्स की कंडीशन है, डोर्स के ऊपर कोई भी स्क्रैच या डेंट वगैरह मौजूद नहीं है। आ जाए जिसके इंटीरियर की तरफ तो ये गाड़ी का इंटीरियर है, ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन है, स्क्रीन लगी हुई है, और जो सीट्स की अगर बात करें तो सीट्स वगैरह भी इसकी बिल्कुल सही हालत में मौजूद है। और ये इसकी जो बैक सीट्स हैं ये भी आप लोग देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही हालत में मौजूद है, इसकी जो पीछे वाली सीट्स हैं। और जो डोर की कंडीशन अगर देखें तो डोर भी इसका बिल्कुल साफ़ हालत में। आ जाए जी बैक साइड से गाड़ी में दिखा देता हूँ, तो बैक साइड से आप लोग देख सकते हैं बैक कैमरा वगैरह लगा हुआ है इस गाड़ी में, ठीक है। बैक बम्पर जो है यहाँ से थोड़ा सा एक दो क्रैक थोड़ा सा पड़ा हुआ है, माइनर सा, कुछ इतना ज़्यादा नहीं है। बाकी गाड़ी की जो कंडीशन है ये बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ साथ अभी जो है मैं इस गाड़ी की जो डिमांड है ये मैं आपको बता देता हूँ कि इस गाड़ी की जो डिमांड है ये क्या की जा रही है। 23,50,000 रुपये इसकी डिमांड की जा रही है दोस्तों। तकरीबन 1800 सीसी ये गाड़ी है, ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन। अगर कोई दोस्त लेना चाहता है तो वीडियो की स्क्रीन पर जो है नंबर चल रहा है, बाकी आप इनका बोर्ड भी देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप आके गाड़ी विजिट भी कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास जो है टोयोटा अल्टस है जी, सॉरी टोयोटा ग्रैंडी है। 2016 का मॉडल है, लाहौर की ये गाड़ी रजिस्टर्ड है, सनरूफ वगैरह इसमें मौजूद है, मतलब हर तरह से बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में ये गाड़ी मौजूद है। इस गाड़ी में कोई एक आध पीस की टचिंग है माइनर सी, ये मैं आपको पहले ही बताता चलूँ। बाकी इसके टायर वगैरह आप लोग देख सकते हैं जी, और जो इसका बोनट है ये भी बिल्कुल साफ़ हालत में है। बम्पर भी इसका फ्रंट से देखें तो बिल्कुल नीट हालत में है। और आज इसका जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, अंदर से इंटीरियर वगैरह भी दिखा सकता हूँ। साइडों के ऊपर डोर्स के ऊपर कोई भी स्क्रैचेस वगैरह मौजूद नहीं है इसके, ठीक है। और ये इसका इंटीरियर है जी, ये इसका इंटीरियर आप लोग देख सकते हैं, और ये गाड़ी का मीटर देख सकते हैं कि कितना गाड़ी ये चली हुई है। बाकी सीट्स वगैरह की कंडीशन आप लोग देख सकते हैं जी वीडियो में, पीछे वाले जो सीट्स हैं ये भी इसकी बिल्कुल ठीक हालत में है। एक नज़र बैक साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये इसकी बैक साइड देख सकते हैं, 1.8 टोयोटा ग्रैंडी जो है ये आप देख सकते हैं जी। बैक कैमरा वगैरह लगा हुआ है, बैक बम्पर इसका बिल्कुल नीट एंड क्लीन हालत में है। इस लेफ़्ट साइड पे भी डोर्स के ऊपर कोई भी स्क्रैचेस वगैरह मौजूद नहीं है। तो आएँ जी अब जल्दी से इस गाड़ी की जो डिमांड है ये आपको मैं बता देता हूँ कि इस गाड़ी की डिमांड क्या की जा रही है। 33.5 लाख रुपया दोस्तों इसकी डिमांड है, प्राइस में कमी पेशी हो जाएगी। अगर कोई दोस्त इंटरेस्टेड है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास गाड़ी है जी टोयोटा GLI इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, और 2015 का ये मॉडल है। जी हाँ दोस्तों, 2015 मॉडल GLI मौजूद है। कलर इसका आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी माइनर टचिंग है एक दो पीसेस की, और देख सकते हैं जी इस्लामाबाद के रजिस्टर्ड है। बम्पर के ऊपर कुछ स्क्रैचेज वगैरह पड़े हुए हैं थोड़े से, लेकिन जो इसका बोनट है ये बिल्कुल डेंटलेस है, ठीक है, और स्क्रैचलेस बोनट है इस गाड़ी का। टायरों में जो है अलॉय रिम लगे हुए हैं इस गाड़ी में, और फेंडर्स वगैरह बिल्कुल ठीक हैं। डोर्स के ऊपर कोई भी स्क्रैच वगैरह मौजूद नहीं है, डोर वगैरह इसके बिल्कुल साफ़ हैं। और ये देख सकते हैं जी आप लोग, इसका जो इसकी बैक साइड है GLI की, कैमरा वगैरह लगा हुआ है, बैक बम्पर भी तकरीबन इसका बिल्कुल ठीक हालत में है। आ जाए इसका मैं अंदर से इंटीरियर भी दिखा देता हूँ आपको। ये गाड़ी का
देख सकते हैं डैशबोर्ड वगैरह, इंटीरियर वगैरह देख सकते हैं। ये गाड़ी का मीटर आप चेक कर लेंगे, ये गाड़ी कितना चली हुई है मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा जूम करके। ये देख सकते हैं ये गाड़ी का मीटर है जी। और ये गाड़ी की सीट्स हैं, सीट्स वगैरह भी इसकी ठीक हालत में है, कुछ सीट फटी हुई हैं फिर रफ हालत में नहीं है। और इसकी जो दूसरी साइड है ये भी मैं हल्की से आपको दिखा देता हूँ, और इसके बाद इस गाड़ी की जो डिमांड है ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसकी जो दूसरी साइड है ये मैं अगर दिखाऊं तो इसके ऊपर भी कुछ ज़्यादा स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, कोई एक आध स्क्रैच होगा माइनर सा, बाकी ये गाड़ी बिल्कुल साफ हालत में है। इस गाड़ी की जो डिमांड है ये 24.5 लाख रुपये की जा रही है। GLI 2015 मॉडल इस्लामाबाद नंबर की गाड़ी है। अगर कोई दोस्त इंटरेस्टेड है तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट भी हमारे पास GLI मौजूद है जी, ये 2012 मॉडल है, 2012 मॉडल है, लाहौर की रजिस्टर्ड है। इसमें भी एक दो पीसेस की टचिंग मौजूद है बाकी, और मैं दिखा देता हूँ आप इसका। सबसे पहले तो बम्पर देखें, फ्रंट से जो इसका बम्पर है कहीं से भी कोई टूटा हुआ नहीं है, ब्रेक नहीं है, ठीक हो गया। इसका जो बोनेट है ये भी आप लोग देख सकते हैं, बोनेट के ऊपर कोई भी मेजर कोई डेंट वगैरह नहीं है, माइनर हल्की सी छोटी छोटी कोई एक दो स्क्रैचेज ज़रूर होंगी। बाकी इसके जो टायर हैं इनमें अलॉय रिम नहीं है, कप व्हील लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये इसकी लेफ्ट साइड है, ये भी आप लोग देख सकते हैं डोर्स की जो कंडीशन है। और ये इसका अंदर से जो इंटीरियर है रूम वगैरह ये भी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं गाड़ी का। सीट्स वगैरह की बात करें तो सीट्स इसकी भी बिल्कुल साफ़ हालत में है, ठीक हालत में है। इसका बैक रूम भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हालत में है, और स्क्रीन वगैरह इसमें वैसे नहीं लगी हुई, डोर के गत्ते वगैरह इसके बिल्कुल ठीक हालत में है। एक नज़र इसको भी बैक साइड से मैं दिखा देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं बैक साइड से इसका जो बम्पर है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हालत में इस गाड़ी का बम्पर मौजूद है। 2012 मॉडल GLI है जी। और इस गाड़ी की जो डिमांड है ये मैं अब आपको बताता चलूँ, तो इस गाड़ी की जो डिमांड है ये 23.5 लाख रुपया की जा रही है। 23.5 लाख रुपया इसकी डिमांड कर रहे हैं जी हसन मोटर वाले। अगर तो आप में से कोई दोस्त को बाय इंटरेस्टेड है तो आप लोग कॉल पर रब्ता कर सकते हैं, नंबर इनका जो है ये मैंने वीडियो की स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। बाकी आ जाएं जी नेक्स्ट जो हमारे पास गाड़ी है, आगे जो GLI है ये रेड वाइन कलर में मौजूद है, पंजाब लाहौर की ये रजिस्टर्ड है गाड़ी। इसमें भी कुछ पीसेस की टचिंग मौजूद है, एक दो पीसेस की, बाकी गाड़ी ये बिल्कुल जेन्युइन हालत में आप लोगों को मिल जाएगी। तो गाड़ी की जो कंडीशन है ऑलमोस्ट आप लोग देख सकते हैं वीडियो में भी, बम्पर वगैरह इसका बिल्कुल ठीक है, कोई भी स्क्रैच वगैरह नहीं है। बोनेट इसका देखें तो यहाँ से इसका जो कलर है थोड़ा सा फेड हुआ हुआ है, ठीक है। और बाकी टायरों में अलॉय रिम जो है इसके मौजूद हैं दोस्तों। डोर्स के ऊपर अगर मैं दिखाऊं तो डस्ट वगैरह थोड़ी पड़ी हुई है, लेकिन कुछ ज़्यादा मेजर स्क्रैचेस वगैरह मौजूद नहीं है। बाकी इसकी जो बैक साइड है ये भी आप लोग देख सकते हैं, बैक साइड से गाड़ी की जो कंडीशन है, बम्पर के ऊपर पीछे स्क्रैचेस पड़े हुए हैं थोड़े से, ठीक है। ये मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ, और बैक कैमरा वगैरह जो ये इसको लगा हुआ है। बाकी जो गाड़ी की कंडीशन है ये ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक हालत में गाड़ी अवेलेबल है। अभी इसकी जो है मैं आपको दिखाता हूँ लेफ़्ट साइड भी आप लोग इसकी देख सकते हैं, रोड के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी हैं तो डस्ट वगैरह पड़ी हुई है बस, और कुछ भी नहीं है। तो आ जाएँ जी अब इसकी भी जो डिमांड है ना ये मैं आपको बताता चलूँ, तो इसकी जो डिमांड है ये कर रहे हैं जी 21 लाख रुपया इसकी डिमांड की जा रही है। कमी पेशी हो जाएगी, कोई भाई दोस्त इंटरेस्टेड है तो हसन मोटर वालों से आप लोग रब्ता कर सकते हैं, नंबर मैंने वीडियो की स्क्रीन पर दिया हुआ है। आगे आ जाएँ जी, आगे है गाड़ी हमारे पास जैपनीज है जी निसान की, और ये जो है ये गाड़ी है जी निसान डेज 2016/19 का ये मॉडल है, 16 मॉडल है, 19 की ये रजिस्टर्ड है गाड़ी, लाहौर नंबर इसको लगा हुआ है। और इस गाड़ी में जो है बस एक पीस की टचिंग बताई जा रही है, बाकी ये सारी गाड़ी शोरूम वालों की तरफ से जेन्युइन बताई जा रही है। गाड़ी में जो है टायरों में अलॉय रिम इसके लगे हुए हैं, गाड़ी वाश होने वाली है, बम्पर के ऊपर स्क्रैचेज वगैरह पड़े हुए हैं थोड़े से, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डोर्स के ऊपर भी जो इसका फ्रंट डोर है इसके ऊपर थोड़े से स्क्रैचेज हैं, पीछे वाला डोर इसका बिल्कुल साफ़ है। इसमें जो है ऑटोमेटिक गेट शिफ्टिंग जो है मौजूद है, और जो सीट्स की कंडीशन है ये सीट्स इसकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हालत में है, पीछे वाली सीट्स भी बिल्कुल ओके हैं। अंदर से इसका जो रूफ़ है, डोर के गत्ते वगैरह हर चीज़ इसकी बिल्कुल सही हालत में है। तो इसकी जो बैक साइड है ये भी आप लोग देख लें जी, निसान डेज की ये इसकी बैक साइड से कंडीशन है, और ये इसकी फ्रंट साइड से लुक है, ठीक। साइडों पे स्क्रैचेस वगैरह इसके थोड़े से पड़े हुए हैं, बाकी अगर कोई दोस्त लेना चाहता है तो इसकी जो शोरूम वाले डिमांड कर रहे हैं ये 19.5 लाख रुपये इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है। प्राइस में कमी पेशी हो जाएगी, कोई बाइक को दोस्त इंटरेस्टेड है तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इधर है जी होंडा सिटी है, एस्पायर फुल ऑप्शन में 2015 मॉडल, लाहौर के रजिस्टर्ड है, और इसकी जो कंडीशन है यह शोरूम वालों की तरफ से टोटल जेन्युइन बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, टोटल जेन्युइन ये गाड़ी है, वाइट कलर है इसका, माइनर से एक आध कुछ लाइन वगैरह इसके ऊपर पड़ी हुई है, अंदर से ये बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है।
तो देख सकते हैं जी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ऑटोमेटिक गेयर ट्रांसमिशन, न्यू सीट्स, मैटिंग वगैरह इसकी बिल्कुल न्यू है ऑलमोस्ट। और जो पीछे वाले सीट्स हैं, जो रूम है इसका, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हालत में मौजूद है। ऑल ओवर गाड़ी की कंडीशन जस्ट लाइक अ न्यू गाड़ी है ये, बड़ी ही साफ हालत में ये गाड़ी फुल ऑप्शन आपको मिल जाएगी। दोस्तों ये जो गाड़ी है 92,000 किलोमीटर तकरीबन ये चली हुई है शोरूम के मुताबिक, और इस गाड़ी की जो डिमांड है 26,75,000 रुपये इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है। कोई दोस्त इंटरेस्टेड है तो भी रब्ता कर सकते हैं, होंडा सिटी फुल ऑप्शन में साफ मॉडल 15 मॉडल जो है ये मौजूद है। इसके बाद आ रही है जी 20 मॉडल लाहौर नंबर की जो है कल्टस मौजूद है, इसमें भी जो एक आध पीस की टचिंग है ये मौजूद है, बाकी ये गाड़ी बिल्कुल साफ हालत में है। इसका भी अंदर से जो रूम है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, बाहर से भी आप इसकी जो कंडीशन है ये देख सकते हैं। डोर्स वगैरह इसके बिल्कुल नीट एंड क्लीन हालत में है, और ये इसका देख सकते हैं जी डैशबोर्ड वगैरह, स्क्रीन बड़ी लगी हुई है, मैनुअल गियर ट्रांसमिशन है, सीट्स वगैरह इसकी ऑलमोस्ट साफ हालत में है। दोस्तों ये जो गाड़ी है ये 30,000 किलोमीटर समथिंग ये चली हुई है, और इसकी जो डिमांड है तकरीबन 25,00,000 रुपये इसकी डिमांड की जा रही है। अगर कोई भाई इंटरेस्टेड है तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं, वीडियो की स्क्रीन पर मैंने नंबर दिया हुआ है शोरूम का। आई होप दोस्तों कि ये जो गाड़ियाँ मैंने आपको दिखाई हैं आज की वीडियो, मैंने सान दिखाई है और ये रेड वाइन GLI दिखाई है जो कि 12 मॉडल है, फिर 12 मॉडल GLI, ठीक है, लाहौर नंबर में, इस्लामाबाद नंबर में 15 मॉडल जो है GLI दिखाई है, 16 मॉडल ग्रैंडी दिखाई है, प्रीमियो दिखाई है, होंडा सिटी दिखाई है और कल्टस दिखाई है। आई होप कि ये जो गाड़ियाँ मैंने आपको दिखाई हैं इनमें से कोई ना कोई गाड़ी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।